नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजवीर सिंह अपने चैनल हर्ब्स एंड डेरिवेटिव्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने नेक्स्ट द्रव अर्जुन को ले रहा हूं। ये देखिए अर्जुन का वृक्ष है, इसका लैटिन नेम टर्मिनेलिया अर्जुना, फैमिली कॉम्बोटेसी है। पिछले दो द्रव मैं कॉम्बोटेसी फैमिली के बतला चुका हूँ, हरित की और विविध की। चरक ने इसको कसाई कंध और उदर प्रश्मन में रखा है, सुश्रुत ने इसको सालसारादिगण और नियुक्ताधिगण में रखा है। इसके जो पर्याय हैं, पहला है धवल। धवल जो इसकी त्वचा जो होती है, ये देखिए सफ़ेद कलर की थोड़ी सी बाहर से दिखती है, इसलिए इसको हम धवल कहते हैं। कुकुप, कुकुप का मतलब होता है विस्तृत, ये बड़ा विस्तृत होता है, इसलिए इसको हम कुकुप भी कहते हैं। इंद्रददू, इंद्रददू का मतलब है बड़ा वृक्ष, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसको हम इंद्रददू कहते हैं। वीर वृक्ष, वीर वृक्ष इसलिए क्योंकि इसकी कांड जो है, स्टेम जो है, बहुत ही हार्ड होती है, दृढ़ होती है, इसलिए इसको हम वीर वृक्ष कहते हैं। नदीसर्ज, नदीसर्ज का मतलब होता है कि ये अक्सर नदियों के किनारे मिलता है, तो इसको हम नदीसर्ज भी कहते हैं। तो ये थे इसके पर्याय कुछ। अब मैं इसकी मॉर्फोलॉजी बतलाने जा रहा हूँ। ये करीब 60 से 70 फीट तक ऊंचा होता है। कांड जो होती है, इसकी स्टेम जो होती है, बहुत ही हार्ड होती है, दृढ़ होती है। बाहर से यह सफ़ेद होती है, लेकिन जब आप इसको छिलेंगे तो देखिए अंदर से ये रेडिश रेड कलर दिखेगी। तो ये अंदर से रेड होती है। जो इसके पत्ते होते हैं वो अमरूद के जैसे पत्ते होते हैं, औसे इसके पत्ते होते हैं। जो पुष्प हैं, अभी लगे नहीं हुए हैं, जो इसके पुष्प हैं वो श्वेत और पीताभ कलर के होते हैं। फल जो हैं इसके वो छोटे छोटे होते हैं, कमरक का एक फल होता है उसी के सदृश होते हैं। कमरक का फल थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, जिसको कि लोग खाते हैं, तो इसके फल भी कमरक के फल के जैसे होते हैं। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। केमिकल कंपोजिशन में इसके अर्जुनेंटिन, फ्राइडेलिन, टैनिक एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। रस गुण वीर विपाक में, यह गुण जो है इसका लघु और रुच होता है, रस कसाय होता है, विपाक कटु होता है, वीर इसका शीत होता है, और जो इसका प्रभाव है वो हृद होता है। प्रभाव उसको कहते हैं जो द्रव्यों में उसकी विशिष्ट शक्ति होती है, जो उसकी अचिंत शक्ति होती है, जिसके कारण द्रव अपना काम करता है, उसको हम प्रभाव कहते हैं। तो अर्जुन का प्रभाव जो है हृदय है, हृदय का मतलब यह कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तो ये इसके रसगुण वीर विपाक थे। इसका जो कर्म है वह मुक्त कफ पित्त शामक है। तो दोस्तों, मैं अब आपको अर्जुन के यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि अर्जुन में कसाय रस होता है, तो ये अस्थम्भन का कार्य करता है। दूसरा हृदय, हृदय का मतलब कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ये जिनकी भी इरेगुलर हार्ट बीट्स है तो वो अर्जुन का सेवन कर सकते हैं। अर्जुन का सेवन उसके टैबलेट फॉर्म में, ये इसकी टैबलेट है। इसका जो त्वक है उसका क्वाथ बना के आप ले सकते हैं। अर्जुना रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ये कम करने में काम आता है, जिनका कि एलडीएल बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो वो अर्जुन के क्वाद का, अर्जुन टैबलेट का, अर्जुना रिष्ट का या अर्जुन क्षीर पाक का सेवन कर सकते हैं। जो अर्जुन का टैबलेट लेना चाहते हैं वो एक से दो टैबलेट दिन में दो बार लें। अर्जुन क्वाद का बनाने का तरीका है, आप 200 से 250 ml पानी ले लें और उसमें अर्जुन छाल की एक चम्मच चूर्ण डाल दें और उसको गर्म करें, तब तक कि जब तक वह 1/4 ना रह जाए, मतलब 50 से 60 ml ना रह जाए। 50-60 ml जब रह जाएगा तो आप इसको छान लें और चाय की तरह सिप सिप करके सुबह खाली पेट लें। इसे शाम को भी आप खाली पेट
ले सकते हैं। अर्जुन क्षीरपाक, अर्जुन क्षीरपाक के निर्माण की विधि है, आप 3 कप पानी लें, 1 कप दूध लें और 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण लें। इसको उबालें और जब 1 कप रह जाए तो इसको छान के आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसको भी खाली पेट लेना है सुबह और शाम। अर्जुनारिष्ट, अर्जुनारिष्ट का 3 से 4 चम्मच उतना ही पानी मिलाकर सुबह शाम लें खाना खाने के बाद। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक के हैं, जिनको शुगर है, वो अर्जुनारिष्ट का सेवन ना करें। नेक्स्ट रक्ताश, रक्ताश जिनको कि ब्लीडिंग पाइल्स है या जिनके कि पाइल्स में खून आता है, वो अर्जुन के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कंडुघन, कंडुघन का मतलब होता है इचिंग की प्रॉब्लम। जिनको कि बॉडी पे ज़्यादा इचिंग होती है, वो अर्जुन की छाल का चूर्ण और प्लस आमल की चूर्ण, आंवले के चूर्ण को मिलाकर आधा आधा चम्मच सुबह शाम लें तो उनकी कंडुघन इचिंग की प्रॉब्लम काफ़ी दूर होगी। परमेह, परमेह में मेनली या शुक्रमेह में ज़्यादा काम आता है। शुक्रमेह का मतलब है जिनको कि पेशाब के साथ सीमन का सिक्रीशन हो रहा है या जिनको कि स्वप्न दोष है, वो अर्जुन की छाल का चूर्ण और चंदन का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम लें। अस्थिभग्न, अस्थिभग्न जिनको कि फ्रैक्चर हुआ है, वो अर्जुन की छाल का चूर्ण का लेप भी कर सकते हैं उस जगह पर, और यदि जिनको कि प्लास्टर लगा हुआ है, वो अर्जुन की छाल का चूर्ण 1 चम्मच दूध के साथ लें, जिससे कि उनकी फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है उसकी हीलिंग जल्दी होगी और अच्छी होगी। छेच काश में भी हम अर्जुन की छाल का चूर्ण गौ घृत मधु के साथ आप सेवन करेंगे तो आप छेच काश में कफ में आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये थे कुछ अर्जुन के प्रयोग। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।